का कल यानी 28 दिसंबर को 138वां स्थापना दिवस है। इसी उपलक्ष्य में भव्य सभा का आयोजन नागपुर में किया गया है, जिसके लिए बड़े मैदान पर इस सभा की तैयारी पूरी की जा रही है। आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने सभा की तैयारी का जायजा लिया और पत्रकारों से संवाद साधा। इस सभा के लिए कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता नागपुर में पहुंचेंगे, सैकड़ों की तादाद में लोग उपस्थित रहेंगे, ऐसा पटोले द्वारा कहा गया। ठरलेला आहे त्याला सिस्टीमला वॉशिंग मशीन मध्ये एकदा घेतला गेला आणि आपल्याला लक्षात असेल की मी स्वतः जेव्हा नवाब मलिकचा इश्यू आला आणि तुम्हाला त्यांचं जे बैठक जे व्यवस्था केलेली होती ती नेमकी फडणवीस ज्या सीटला बसतात त्याच्या मागच्या लाईनमध्ये त्यांना 49 नंबरला त्यांना बैठक केली होती। पण ज्यावेळेस ते नवाब मलिक आलेत आणि सत्ता पक्षाच्या बाजूला बसलेत तेव्हा लोकांमध्ये त्याची प्रतिक्रिया गेली मीडियाच्या माध्यमातून, जेव्हा त्यावेळेस मग त्यांना लक्षात आलं की आपण चूक करतोय। पण मी म्हणालो होतो की नवाब मलिक तर जागा विकणे आणि घेण्यामध्ये होते, पण आता भाजपच्या मांडीला मांडी लावून बसलेले प्रफुल्ल पटेल हे तर मिरची बरोबर त्यांच्या मिसेज बरोबर तो ऑलरेडी त्यांची पार्टनरशिप आहे, जागा त्यांची आहे आणि पार्टनरशिप करणारा आतंकवाद्या बरोबर तो तर अजून मोठ्या प्रमाणात गुन्हेगार आहे, ठीक आहे। पण त्यांच्यावरचा आक्षेप नाही, नवाब मलिक मुस्लिम आहे म्हणून करतात काय हाही प्रश्न आम्ही विचारलेला होता। त्याच्यामुळे त्यांच्या वॉशिंग मशीनमध्ये जे लोक धुतले गेले त्या वॉशिंग मशीनला ते बरोबर त्यांच्याबद्दल बोलणार नाही, नवाब मलिकच्या बद्दलची बातमी निर्माण करून मूळ मुद्द्यांना डायव्हर्ट करण्यासाठी बीजेपी नेहमी प्रयत्न करते। आज आपण पाहिलं असेल की कांद्याचे शेतकरी पुन्हा आंदोलनावर गेले, आज कापसाचा शेतकरी आंदोलन करतो आहे, मोठ्या प्रमाणात आत्महत्या वाढतात आहे, धान उत्पादक शेतकरी त्याचप्रमाणे त्याची हालत खराब आहे। म्हणून शेतकऱ्यांचे प्रश्न असतील, बेरोजगारांचे प्रश्न असतील, आपण पाहिलं असेल की अनेक जागांच्या परीक्षा झाल्यात पण त्याच्या निकालात जाहीर करत नाही, म्हणजे हे वेळेवर मग कोर्टात कोणाला तरी पाठवतील मग त्याला डिस्प्यूट करतील मग ते सगळे पुन्हा परीक्षा घेतील, पुन्हा प्रत्येक परीक्षेकडून 1000 रुपये गोळा करतील आणि त्यांचे जे ऑनलाईन अर्ज गोळा करणाऱ्या ज्या संस्था आहेत बीजेपीच्या त्यांच्याकडे कोट्यावधी रुपये जमा करतील। आणि म्हणून हे सगळे मूळ प्रश्न बाजूला सारण्यासाठी नवाब मलिक सारखा इश्यू निर्माण करायचा आणि सगळ्यांना डायव्हर्ट करायचा हा प्रयत्न बीजेपी करते, पण आता लोकांना ते कळलेलं आहे। इसके साथ ही नाना पटोले द्वारा पत्रकारों से विविध मुद्दों पर संवाद साधा। पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सवाल ये भी उठता है कि क्या नवाब मलिक मुसलमान होने के नाते उन पर आक्षेप लिया जा रहा है। अभी जगह शेष जगह वाटप का निर्णय अभी हुआ ही नहीं है, परसों हमारा पार्टी का मीटिंग दिल्ली में है, परसों हम लोग सब डिस्कशन करेंगे और बाद में ये मेरिट के आधार पर डिसीजन हो गया। हम उस विषय पे ये धार्मिक व्यवस्था पे कोई राजनीति ये नहीं हो सकती, अगर बीजेपी धार्मिक व्यवस्था के आधार पर आस्थाओं के साथ खेलती है तो बीजेपी का काम है, कांग्रेस ये नहीं। कांग्रेस के सामने जनता के प्रश्न महत्व के, आज किसान आत्महत्या कर रहा है, देश का अन्नदाता आत्महत्या कर रहा है, उसको कैसे बचाना चाहिए, उसको कैसा न्याय मिलेगा, ये कांग्रेस की भूमिका है। ये देश का युवाओं को बर्बाद करने का काम बीजेपी ने किया है, बेरोजगारों का देश बनाया, बेरोजगारों को न्याय कैसा दिया जाए, कामगारों को कैसा न्याय दिया जाए, गरीबों को कैसा न्याय दिया जाए, ये कांग्रेस की भूमिका है। धर्म ये राजनीति में नहीं आना चाहिए, ये जो मैं जिस महाराज से हूँ हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने यही हमें शिक्षा दी है, राजनीति अलग होती है और धर्म की व्यवस्था करने वाले लोग अलग होते हैं। पर आज खुद शंकराचार्य जी कहते हैं कि राम भगवान श्री राम जी का मंदिर यहाँ बने अयोध्या में, हम कोर्ट में गए, हमने आंदोलन किया, कोर्ट में केस में हम जीते, लेकिन जिन लोगों का कोई योगदान ही नहीं है वही लोग अब ये यहाँ पर कब्जा करके बैठे हैं, ऐसे शंकराचार्य जी कहते हैं तो कितनी बड़ी चपराक है बीजेपी को, ये समझना चाहिए। लेकिन बीजेपी समझती नहीं, बीजेपी बेशरम के जैसे धर्म के आधार पर राजनीति करने चाह रही है, तो ठीक है, देश की जनता ये सब बात को समझती है। मैं खुद हिंदू हूँ, मैंने खुद जो शिला जमा किए थे, हमने पैसा जमा किया था, हमने दिया था, वो पैसा कहाँ गया, हमारी शिला कहाँ गई, कौन से कहाँ मंदिर में लगाई है, वो उसका तो हिसाब तो बीजेपी देगी नहीं, और इसलिए ये सब प्रश्न खड़े होते हैं। और ये नकली धर्म
व्यवस्था जो बनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है गलत है। इस धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए खतरा पैदा करने का काम बीजेपी कर रही है। इस सभा में पूरे देश से कांग्रेस के दिग्गजों के साथ ही पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं सामान्य जनता बड़ी संख्या में उपस्थित रहेंगे। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने इस दौरान विविध मुद्दों पर भी पत्रकारों से संवाद साधा है। कांग्रेस का 28 दिसंबर को जो है 138वां स्थापना दिवस है और इस स्थापना दिवस में जो है नागपुर शहर में भव्य ऐसी रैली होने वाली है, सभा होने वाली है, जहां पे जो है कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता यहां पहुंचने वाले हैं। सभी राज्यों के कांग्रेस के मुख्यमंत्री हो, प्रदेशाध्यक्ष हो, साथ ही साथ सोनिया गांधी जो है कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष है, मल्लिकार्जुन खड़गे जो है, सारे दिग्गज नेता जो है इस सभा को, इस रैली को जो है हाजिरी लगाने वाले हैं, यहाँ उपस्थित रहने वाले हैं। साथ ही साथ कई दिनों से इस सभा की तैयारियाँ जो है यहाँ पर शुरू है। आप देख पा रहे हो कि किस तरह से आज का दिन एक बाकी है और कल जो है ये सभा होने वाली है, जिसके लिए यहाँ जो है पूरी तैयारियाँ जो है शुरू है। आप देख पा रहे हो कि किस तरह से ये मैदान है, इस मैदान में जो है ये तैयारियाँ की गई है। आप देख पा रहे हो कि जहाँ मीडिया के लिए स्टेज भी बनाया गया है, बैठने की व्यवस्था है, और ये जो स्टेज है, ये स्टेज भी ऐसा भव्य ऐसा स्टेज बनाया गया है, क्योंकि यहाँ जो है कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता आने वाले हैं। और कई दिनों से महाराष्ट्र के जो कांग्रेस के दिग्गज नेता है नागपुर में ठान मांडे हुए हैं और इस पूरे परिस्थिति का जायजा ले रहे हैं। आज उसी श्रृंखला में कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने जो है इसका जायजा लिया और पत्रकारों से जो है संवाद साधा है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।